नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। वीकली वॉरियर्स 19th of March 2022 रिजल्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो साप्ताहिक टेस्ट था काफ़ी डिफिकल्ट बोला जा सकता है, क्योंकि इसी के बीच में होली थी और होली की जो शुरुआत होती है या फिर होली का जो होली होने के बाद लोग काफ़ी बिजी रहते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि इस बार साप्ताहिक टेस्ट में जो आपका 19 मार्च को टेस्ट हुआ है उसमें से मैक्सिमम लोगों ने, आपकी क्लास से मैक्सिमम लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। मे बी इसका रीज़न हो सकता है कि आपका अब जो है फॉर्म आ चुका है, UPPCS का फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो चुका है और अब जो है 12 जून को आपका पेपर है। सभी लोगों को पता है 12 जून 2022 को प्रीलिम्स का पेपर है और जो भी आपके पास समय बचा है अब उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और बहुत अच्छा खासा समय है, अगर इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो बहुत आराम से आप प्रीलिम्स की परीक्षा को पार कर सकते हैं और इसमें कोई भी शंका आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बस आपके पास स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, जो क्लास में चीज़ें बताई जा रही हैं वही आपको फॉलो अप करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात कर देते हैं रिजल्ट के बारे में, कौन कौन किस पोजीशन पर आया है। तो 20 में से 20 नंबर हैं दिग्विजय जी के, मनोज जी के, सचिन जी के, प्रभात यादव जी के, ऋषभ तिवारी जी के, उमेश जी के, रचना दुबे जी के, ऋषभ वाजपेयी जी की सॉरी 19 मार्क्स हैं दिलशाद जी के, अभय जी के, प्रिया जी के, श्वेता शुक्ला जी के और कान्हा कुमार जी के। 18.5 नंबर हैं शिवम जी के, दामनी जी के, दीपक जी के, रूबी जी के, आशुतोष जी के, रचना दुबे जी के, सतीश जी के, सुनील राणा जी के और सागर जी के। इसके बाद हैं 18 नंबर शेफाली जी के, सोनी जी के, अशोक जी के, सूरज जी के, सोनिका जी के, राजेश कुशवाहा जी के और अमन जी के। 17.5 नंबर हैं कार्तिक जी के, ऋचा जी के, सिप्रा जी के, सुरेंद्र जी के, अंकित गौतम जी के और प्रीति सिंह जी के। 17 मार्क्स हैं नरेंद्र जी के, रश्मि जी के, वसुंधरा जी के, निधि जी के, वर्षा जी के, लक्ष्मी जी के। 16.5 नंबर हैं आलोक जी के, हर्षित जी के, आकांक्षा जी के, जय जी के, दिलीप जी के, अर्पित जी के और शशांक जी के। 16 मार्क्स हैं अंकित यादव जी के, राकेश जी के, ममता जी के, रेखा यादव जी के और शिखा श्रीवास्तव जी के। तो ये रहा आपका जो लिस्ट, कौन कौन किस पोजीशन पर आया है उसके बारे में। तो होपफुली इस चीज़ से आप लोगों को एक एनर्जी मिलेगी कि नेक्स्ट पेपर में हम लोगों को भी बेहतर प्रदर्शन करना है। जितने लोगों ने भी टेस्ट दिया है उनके मार्क्स तो आपको बताए ही गए, इसके अलावा सभी लोगों को पर्सनल मैसेज किया जाता है मेरी तरफ से। और इसके अलावा जो टेस्ट नहीं देते हैं उनके लिए मेरे पास सिर्फ यही बोलना है कि टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। 20 में से आपके 4 नंबर भी आते हैं, 2 नंबर भी आते हैं, तब भी आप अपने मार्क्स शेयर करिए। अगर आप मार्क्स शेयर करेंगे तो मैं पर्टिकुलर हर एक पर्सन को, इसी वजह से आपका जो रिज़ल्ट सैटरडे को होता है उसका रिज़ल्ट अब संडे को डिक्लेयर होने लगा है, पर्टिकुलर हर एक पर्सन को मैसेज जाता है मेरी तरफ से उनके क्या प्रदर्शन रहा है, क्या उनको करना है नहीं करना है। जिसका प्रदर्शन सही है उसके लिए कोई बात नहीं, और जिनके मार्क्स कम है ऑब्वियस ही बात है उनको और मैसेजेस होते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं स्किप होने लगते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपसे स्किप हों चीज़ें। और पिछले 2-3 वीक से क्विज जो है वो नेक्सस जीएस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया है, अगर ऑफिशियल कुछ लोग अटेम्प्ट किए हैं तो वो भी अपने जो मार्क्स हैं वो आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो बोल सकते हैं कि कमेंट बॉक्स है उसमें मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि आपके कितने नंबर थे। नेक्सस जीएस के ऑफिशियल नंबर जो हैं वो ये हैं 6390540001, 7080540001। ये दोनों ही नंबर व्हाट्सएप नंबर भी हैं, ये दोनों ही नंबर कॉलिंग नंबर भी हैं और नेक्सस जीएस का ऑफिशियल जो नंबर यही है, ठीक है। चलिए तो 19th of March 2022 रिज़ल्ट के लिए इतना ही। और हाँ, लास्ट में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है नेक्सस जीएस की तरफ से, एक रिज़ल्ट आया है
यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, होपफुली सभी लोगों को याद होगा, होली के जस्ट एक दिन पहले यूपीएससी का रिज़ल्ट आया। और आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेंस को परीक्षा को फिर से अपनी क्लास से सचिन यादव जी ने क्वालिफाई किया है। दो लोगों ने मेंस की परीक्षा दी थी अपनी क्लास से, और दूसरे लोगों का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा क्योंकि उनका मेंस लगा हुआ है। यूपीपीसीएस जो 23 मार्च से एग्ज़ामिनेशन है उसका मेंस लगा हुआ है उनका, जो वो मेंस क्लियर हो जाता है पीसीएस का तो फिर मैं ज़रूर डिस्क्लोज़ करूंगा उनका नाम। और लगातार वीकली टेस्ट में वो टॉप पर बने हुए हैं बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है पिछले एक से डेढ़ साल से लगातार टॉप पर बने हुए हैं, और उन्होंने ही मेंस दिया है यूपीएससी का। तो मेंस तो क्लियर नहीं हुआ यूपीएससी का, लेकिन होपफुली यूपीपीसीएस का हो जाएगा। बात करते हैं सचिन जी के बारे में। तो जो ये कहता है कि यार मेरे से हो नहीं पा रहा है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा, एक जॉब के साथ कैसे मैनेज करूं, तो आप सचिन यादव जी से सीख सकते हैं। लगातार उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं, 2017 इंटरव्यू दिया, 18 इंटरव्यू दिया, डिस्क्वालिफाइड हुए, बाहर कर दिए गए यूपीपीसीएस की तरफ से। उसके बाद 19 की बात आप देखिए, नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए। 2020 में यूपीएससी भी उन्होंने मेंस दिया है, यूपीपीसीएस का भी मेंस दिया है, और फाइनली यूपीपीसीएस में 14th रैंक आई थी उनकी, और वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। ठीक है, उसके बाद भी ये रुके नहीं, जज्बा देखिए आप, इसके बाद भी ये रुके नहीं, यूपीएससी फिर से इन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं, मेंस इन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, तो ये जज्बा बताता है, इसी वजह से लगातार मैं हर एक रिजल्ट में इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि अगर आपकी क्लास से कोई पर्सन ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सचिन यादव जी आपके बीच से ही हैं, और आज आप देख सकते हैं कि ये सफलता के कितने झंडे गाड़ रहे हैं। आप भी कर सकते हैं अगर आपने मेहनत की तो। चलिए, रिजल्ट के लिए इतना ही, 19th ऑफ मार्च 2022 के रिजल्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।